नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई। शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। साथियों, मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, पीलीभीत, कासगंज, मथुरा, सभी जगह अनुदेशकों में रोष है, क्योंकि जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले वो पूरे नहीं किए गए और सिर्फ दिए गया तो 2000 का अल्पमान। साथियों, आइए देखते हैं क्या कहा अनुदेशक लीडर्स ने अपनी मांगों को लेकर, क्या सरकार से प्रार्थना की है। नमस्कार जी, मेरा नाम अमन अवस्थी है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय नागरपाल में पोस्टेड हूँ। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी नियुक्ति आईटीई 2009 के अंतर्गत में 2013 में हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय के अधीन हम लोगों की हुई थी। पूरे विज्ञापन निकला था, उसके अनुसार हम लोगों की हुई थी और हम लोग पूरी अपनी पूर्ण अर्हता रखते हैं। जो बीपीएड हमारी डिग्री होती है, जो सर्वोच्च डिग्री हम लोगों की मानी जाती है, उस डिग्री के तहत हम लोगों का हुआ था। हम लोग पूर्ण अर्हता रखते हैं अपने पद पर। और 2013 में जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमारा मानदेय 7000 रुपये हुआ था। 2016 में पैप अर्थात प्रोग्रामिंग अप्रूवल बोर्ड ने हमारा मानदेय 21% बढ़ा करके, जो कि केंद्र सरकार करती है, उसने राज्य सरकार को प्रेषित किया। हमारा मानदेय 2016 में बढ़कर के 8470 रुपये हो गया। लेकिन 2016 में इन्होंने एक महारैली की थी भाजपा के, हमारे जो राज्य रहे आजकल प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी ने, और अन्य लोग भी थे जिन्होंने अधिकार दिलाओ रैली की थी, और हम संविदा कर्मियों के लिए नियमित करने का पूरा वो किया था। कौशल सिंह जी भी उसमें थे। और उसके बाद 2017 में जब आपकी सरकार आती है तो आप हमारा मानदेय और घटा देते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग अप्रूवल बोर्ड में हमारा मानदेय 17000 पास हो जाता है, जो कि केंद्र शासित को उसका बजट भी भेज दिया गया था। उसके अनुरूप इन्होंने किया कि अब हम लोगों को बुला करके कहते हैं कि हम 9800 रुपये देंगे, जो कि बिल्कुल अनियमित था, कहीं से भी उसका नहीं था, बिल्कुल हम लोगों का शोषण वाली बात थी। तो उसे ना मानते हुए इन्होंने हम लोगों का और मानदेय घटा दिया और 8470 से घटा करके 7000 रुपये कर दिया। और जो पिछला हमारा जब से हुआ था उसकी रिकवरी भी कर ली, जो कि बिल्कुल नहायती गलत है। और आज भी हम लोग उसके उपरांत फिर कोर्ट में गए। कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय की जो इलाहाबाद पीठ है, खंडपीठ, और लखनऊ खंडपीठ, दोनों जगह से हम लोगों ने जीत हासिल की है। और केंद्र ने, कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 9% ब्याज के सहित इन लोगों का पूर्ण जो है पैसा जितना भी है वो सब दिया जाए। लेकिन आज भी हम लोगों को मात्र 7000 रुपये मिल रहा है और कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इस हिसाब से ये न्यायालय की जो है अवहेलना है, इस पर अपना विचार सरकार को करना है। ये बताइए, तमाम सरकारी वादे होते हैं, चुनाव जब आते हैं बहुत सी पार्टियां वादे करती हैं, आपको भी एक अधिकार दिलाओ रैली बताते हैं आप लोग की, तो क्या आपको अपने अधिकार मिल पाए? धन्यवाद सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बता दें, जो अधिकार दिलाओ रैली के माध्यम से हम लोगों के लिए वोट लेने का काम किया गया, एक तरीके से छलावा किया गया। अब हम लोग सभी अनुदेशक जागृत हो गए हैं और अनुदेशक अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहा है। अब ये मुद्दा बन गया है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो अनुदेशक आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में अपना रिजल्ट दिखाएगा। कितने संख्या है आप अनुदेशक? वर्तमान में अनुदेशक उत्तर प्रदेश में कार्यरत 27000 अनुदेशक कार्यरत है। तो आप लोगों का क्या मानना है, जो आपकी सुनेगा आप उसको वोट देंगे? जो हमारी सुनेगा हम उसको वोट करेंगे। अच्छा, तो ये बताओ, पहले आपको अधिकार दिलाओ की जैसे बात की गई थी, और मान लो फिर से बताया जाए कि आपको अधिकार दिलाया जाए और उसके बाद आप फिर से बताएं कि आप छले गए हैं, तब? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप हमें जमीनी स्तर पर करके दिखाएं, नियमितीकरण का आदेश लाइए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, आचार संहिता लागू होने के बाद हमारा संगठन जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हमें निर्देश देगा, वो हमारा कार्य किया जाएगा। मतलब अब अनुदेशक इस तरह से ऐसे वादों पर विश्वास नहीं करेंगे? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी। और रोजगार में सिर्फ सरकारी नौकरियां कितनी दी जा रही, कितना नियमितीकरण हो रहा है, कितना संविदा कर्मचारियों, कितना नियमितीकरण दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताओ कि चुनाव से पहले जो आप वादों पे विश्वास करके वोट देते हैं,
तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद आपके साथ मतलब आप ठगे जाएंगे, ऐसा आपको पहले से लगता है? भाजपा सरकार को बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने वोट किया था, हो सकता है हम लोगों का नियमितीकरण हो जाए, इसी उम्मीद के साथ वोट किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने वोट नहीं किया है, तो हो सकता है 2022 में इसका परिणाम भाजपा सरकार भुगते। अच्छा, वादा क्या किया गया था जो अधिकार दिलाओ? अधिकार दिलाओ रैली में माननीय राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि हम अन्वेषकों को नियमित करेंगे और सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपका कुबेर का खजाना कहाँ गया, कौन लूट ले गया? महोदय, हम लोगों को नियमित करने की कृपा करें ताकि हम 2022 में बूथ स्तर पर लग करके भाजपा सरकार की सरकार बनाने का फिर से काम कर सके, अन्यथा 2022 में अन्वेषक हर बूथ स्तर पर लग करके इसका विरोध करेगा।